नाइन नंबर में देखते हैं, नाइन नंबर में दिया है 4x² + 9y² = 36। इसको लाते हैं भाग में तो हो जाएगा 4x² / 36 और +9y² / 36 बराबर में है। इसको काट देंगे 9 बार में, इसको काट देंगे 4 बार में, तो x² / 3² और +y² / 2² बराबर में। तो यही ना आपका दीर्घवृत्त का मानक समीकरण का रूप होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3 बड़ा है 2 से, तो इसका मतलब कि दीर्घवृत्त का x² / 2 बड़ा है ना, तो दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश होगा। जब ये x अक्ष के अनुदिश होगा तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि दीर्घवृत्त का समीकरण x² / a² + y² / b² = 1, जहाँ a बड़ा है बी से और b बड़ा है 0 से के रूप में होगा। इसी में ना होगा, इस रूप में होगा। इसका मतलब यहाँ से a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे c निकाल लेते हैं, √a² - b² √3² - 2² 9 - 4 यानी कि √5 सी का मान आ गया। चलिए तो पहले हमें क्या कर रहा है, नाभियों के निर्देशांक। तो नाभियों के निर्देशांक क्या हो जाएगा, +c, 0 यानी कि आ जाएगा यहाँ से ये कितना +√5, 0। शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे क्या हो जाजाएगा, शीर्षों के निर्देशांक +a, 0। तो a का वैल्यू 3 है तो +3, 0। अच्छा, फिर उसके बाद दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई की बात करें तो वो होगा 2a यानी कि 2 × 3 = 6। लघु अक्ष की लंबाई 2b यानी कि 2 × 2 यानी 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए उत्केंद्रता eccentricity c/a हो जाएगा, यानी आ जाएगा √5 / a = 3। ठीक है, फिर उसके बाद नाभिलंब जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा इसका, 2b² / a। 2b² यानी कि हो जाएगा 2² और a के जगह पे 3, तो 2 × 4 = 8, 8/3 यहाँ से निकल जाएगा नाभिलंब जीवा की लंबाई। समझ गए, चलिए आगे।